ये इतना बड़ा वट का वृक्ष हो गया है कि इसका जड़ बहुत दूर तक चलता जा रहा है और इसका छांव भी बढ़ता जा रहा है। और हम नमन करते हैं उन अपने पूर्वजों को जिन्होंने आज हमें मुड़भा यात्रा के खूंटे से बांधा और आज लाखों लोगों को इस खूंटे से भी बांधा। इस धार्मिक स्थल के नींव रखते समय के गवाह रहे हैं हम लोग। आदरणीय विश्व गुरु शिव सोरेन जी ने इसको एक आकृति दी आदरणीय बंधु तिर्की जी इस मुड़वा मेले के और इसको कैसे और बेहतर करें इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब लगता है मुड़वा मेला अपने आप में काफी मजबूत और काफी ताकतवर हो चुका है। इतने असंख्य लोगों की यहां उपस्थिति इसका गवाह। आज जरूर सामाजिक दायित्व की वजह से हम लोग किसी किसी मंच पर उपस्थित जरूर हैं, लेकिन अब मुड़वा मेला को बहुत सहारे और वैसाखी की आवश्यकता है। हाँ, ये बात जरूर है यहां उपस्थित और यहां आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, अपने अपने स्वेच्छा से अपने अपने इच्छा से जो जो कर पाए इस मुड़वा मेला के लिए, इस जत्रा के लिए, वो कहीं ना कहीं और मजबूत और काफी सराहनीय योगदान होगा। आदिवासी समाज का एक ऐसा जीवन प्रतीक यहां पर आप लोगों के माध्यम से जो कुछ दिनों से संदेश निकल रहा है, और अनगिनत दूरी तक इसकी आवाज जा रही है, ये बरकरार रहे और इसके लिए आपसे ज्यादा सक्षम और यहां आए हुए श्रद्धालु से ज्यादा सक्षम और दूसरा व्यवस्था नहीं होता। आज क्योंकि आप लोगों के लिए जिम्मेवारी पद पर बैठने होने की वजह से
मैं मेले का तो बहुत अच्छे तरीके से आनंद नहीं उठा पाता हूं, हाँ लेकिन जरूर इसका मेले का आनंद मैंने पहले लुत्फ उठाया है और इसके अंदर अंदर बाहर सभी चीजों का आनंद हमने लिया है। आज इसका अनुभव हमारे दिनचर्या कार्यों में भी हमें मार्गदर्शन देता है और विशेषकर आदिवासी समाज जिसको लोग दुनिया के सबसे आदि मानव के रूप में देखे जाते हैं, दुनिया का सबसे आदि मानव अगर आदिवासी समाज है तो ये आदिवासी समाज इतना गरीब क्यों? हमारी चिंताएं अब यहां आके खड़ी हो गई। गिने चुने लोगों को छोड़कर पराया लोग इतने गरीब कि गरीबी भी सर पा जाए, लेकिन इस गरीबी के बीच में ये गरीब और ये आदिवासी इतने खुशहाल कैसे रहते हैं? ये ढोल और मांदर में कौन सा भूत है जो इसको हंसना और गाना सिखाता? जब ये ढोल नगाड़े बजते हैं तो कोई आदमी हिलेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं दुनिया की चीजें जितनी भी निकली है यही आदिवासी समाज के कोख से निकली है। आज इस पर हमें गर्व होना चाहिए और इसे कैसे हम संरक्षित रखें ये आपका दायित्व है। आज हम लोग बहुत तरह तरह के चीजों का प्रयास, क्योंकि इस राज्य को आदिवासी बहुल राज्य भी हम मानते हैं। आज आप देखिए, मुझे लगता है राज्य अलग होने से पहले भी और आज अलग होने के बाद भी, अभी इस चुनौती भरे साल में भी जो हमारे बीच में सरकार बनने के बाद कोरोना सुखाड़ कई सारी समस्याएं आई, क्या बोल रहे हैं, कई सारे दुश्मनों की गीत नजर भी पड़ी, इसके बावजूद हम इस राज को इस जगह पर लाकर के खड़ा करने का चेष्टा किया है जहां आज लोग झारखंड के बारे में चर्चा करते हैं। आज सिर्फ यही नहीं, विदेशों के लोग इसकी चर्चा करते हैं और इस राज्य के वर्तमान सरकार के निर्णयों से प्रेरित होकर कई देश के लोग हमें मदद देने के लिए भी हाथ बढ़ाते हैं। मैं बहुत आश्चर्य होता था कि देश के हॉकी इंडिया टीम में आधे के लगभग झारखंड की बेटियां उसका खिलाड़ी है, लेकिन वो देश के लिए खेलता है, देश का नाम ऊंचा हो रहा है, लेकिन उसका घर द्वार का स्थिति तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा। तो हमने सोचा जो बच्चे देश के लिए खेल तो रहे, उस बच्चे का मान सम्मान कैसे बढ़े, खेल उसका जीवन का जीवन चलाने का साधन कैसे बने,
इसका एक हम मॉडल बनाए और आज अलग राज होने के बाद पहली बार खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नियुक्ति देने का काम हम कर और तो और अभी रांची में आप देख रहे हैं 10 दिन चलेगा महिला हॉकी चैंपियनशिप, एशियन हॉकी चैंपियनशिप, इस देश में पहली बार झारखंड में हो रहा और पूरा दुनिया इसको देख रहा है। 10 दिनों तक इसको पूरा दुनिया देखेगा। किसी ना किसी तरीके से ये राज पीछे और पिछड़ा राज होना नहीं चाहिए। कुछ दुष्ट लोग इसको होता नहीं है पैर खींचने वाला, उसी तरीके से इसका इस तरीके से इस राज का नीति निर्धारण कर दिया कि आदिवासी लोग तो बोका होता है, इन लोगों को खलो जितना खरीदना है खलो और राज करो वाला कहानी। और नतीजा हो गया इस राज में लोग भूखा मरने लगे, पलायन करने लगे, बीमारू राज बन गया, बेरोजगारों का राज बन गया, पिछड़ों का राज बन गया, सबसे अधिक पिछड़ा ये राज। लेकिन आप चिंता न करें, आप हम लोगों ने सभी दरवाजे देख लिए इस राज की क्या और क्यों इसकी स्थिति थी। कई देश, कई दुनिया, कई राज के दुनिया के कई राज एक एक चीज के लिए अपने आप को पूरा दुनिया में पहचाना जाता है। कोई देश दूध पैदा करने को लेकर के पूरा दुनिया में जाना जाता है और उस देश का दूध पूरे दुनिया में भी बिकता है। कई ऐसा देश है जो सिर्फ गन्ना उगाता है, गन्ना उगा करके पूरा दुनिया में जगाता है और उसका गन्ना का उत्पादन और उससे बनने वाला चीनी गुड़ वगैरह पूरा दुनिया में बिकता है। हमारे पास क्या कमी, कोयला है, लोहा है, अमरक है, यूरेनियम है, हर तरीके के खनिज संपदा है, बॉक्साइट है, वो तो खनिज संपदा है। हमारे खेल प्रतिभारी, हमारे खिलाड़ी है, प्राकृतिक सौंदर्य है, इतनी सुंदर परंपरा है, उसके बाद जिस राज का कोयला से पूरा दुनिया को रोशनी मिल गया, झारखंड अंधेरे में रह गया। कभी सोचा आप लोगों ने ऐसा क्यों? जिस राज में सबसे अधिक आईएसआई से पैदा करने का क्षमता रखता हो, जिस देश का आईएसआई के पूरे दुनिया में हो, पूरे देश के सर्वोच्च स्थान पे हो और झारखंड के लिए नीति निर्धारण में इतनी बेमानी हो, ऐसे कैसे हो? अब बुद्धि का लड़ाई, जो लड़ाई ताकत वाला लड़ाई था वो हम लोग जीत लिए। ये राज मिल गया, अब राज को सजाना है, संवारना है, इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है और बुद्धि के लिए शिक्षा की आवश्यकता है और शिक्षा के लिए आप लोग देख रहे होंगे जगह जगह में 21 विद्यालय खुल गए। अभी तो स्कूल खुलना शुरू हुआ है और हमारी ये परिकल्पना है कि उस स्कूल को हम प्राइवेट स्कूल से बढ़िया बना करके दिखाएंगे और हमारे बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे। आज हमारा बच्चा विदेश में पढ़ाई करके जा रहा है, पूरा खर्चा सरकार देती है, कोई कर्ज नहीं है कि हम विदेश में तुमको पढ़ा रहे हैं,
तो दोबारा उसका पैसा सरकार को वापस करना है, वापस नहीं करना है। पढ़ाई करो, काबिल बनो और राज का भाग कर सकते हो। और ऐसे ही नहीं, जिस अंग्रेज से हम लोग लड़ाई लड़े थे, जिस अंग्रेज से हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी लड़े, जो अंग्रेज हम लोगों को जमीन में बैठा करके जमीन में, और जिस तरीके से इनका शोषण रहता था, आज उसी अंग्रेज के साथ हमारा यहाँ का झारखंडी बच्चा उसी के बगल में बैठ करके उसके जैसा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। बिरसा मुंडा जी के वंशज हमारे साथ यहाँ उपस्थित है, बुजुर्ग हो गए बेचारे, वंशज है, लेकिन आप वंशजों को भी ये दायित्व अपना निर्वाहन करना पड़ेगा। आज हमारे इस राज्य का जन्म और सब राज्य के जैसा नहीं हुआ, जैसा बच्चा का जन्म होता है ना कि मां 9 महीना बच्चा को पेट में रखती है, उसके बाद बाहर आता है और उस प्रसव पीड़ा जितनी मां समझ सकती है दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो इस राज का भी वही स्थिति रहा। 40 साल तक हमारे आंदोलनकारियों ने इस राज को अपने कोख में पाला है। 2000 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। हमारे आंदोलनकारी आज भी इधर उधर भटक रहे, लेकिन आप बहुत जल्द उन आंदोलनकारियों की भी जो आंसू है उस आंसू को पोंछने का काम ये सरकार करने जा रही है। एक मजबूत निर्णय के साथ सामने आने की तैयारी है। तो ये राज खून पसीने और सब आदिवासी समाज के लोगों ने, मूलवासी समाज के लोगों ने यहां से जंगी लड़ाई लड़ी। भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानू चार भारत टीकावन इसका नाम लो, नीलांबर पीताम्बर तेलंगाना खड़िया किनका नाम लो, आज यहां इकट्ठा होने का और आनंद लेने का ही सिर्फ समय नहीं है, इस जगह एक संकल्प भी लेके निकलना चाहिए कि हम अपने समाज के साथ कैसे जुड़े और कैसे जोड़े। मैं तो सरकार की चीज को आप लोग देखते हैं ना, सरकारी चीज को लोग भगवान भरोसे छोड़ देता है और सरकार की चीजें खराब भी बहुत जल्दी हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है। सरकारी बिल्डिंग सरकारी चीजों को तो आप लोग देखे हैं, जब तक जनसामान्य चीजों में नहीं होगी वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता, कभी भी उसका नींव मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए ये राज हमारे आंदोलनकारियों के हाथ में समर्पित था, तभी इसका जन्म हुआ, नहीं तो ये राज कभी अलग नहीं होता। क्योंकि इस राज के अंदर जो आंतरिक क्षमता है, जमीन के अंदर जमीन के ऊपर दोनों जगह हमारे पास इतनी संपत्ति है कि अगर लोग उसको सही तरीके से संभाल ले तो इस राज्य को कभी पिछड़ा नहीं कहा जा सकता, बल्कि देश के अव्वल राज्यों में से ये राज्य खड़ा हुआ है। ऊपर वाले ने इस राज्य को बहुत सुंदर तरीके से सजा के दिया है, अब इसको संभालना, इसको संवारना हम सब लोगों की जिम्मेवारी। इसलिए और ज्यादा नहीं कर
करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग हड़ताल आते हैं और विशेषकर यहाँ जो दुकान काम लगाने वाले हमारे दुकानदार बंधुगण, यहाँ पर जो करतब उत्तर दिखाने वाले, जो ये चरखा उत्तर घुमाने वाले, मेले बहुत जजबत करने वाले लोग, आप लोग का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ आकर के इस The followup.in. Like, share, and subscribe.